राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, रोजगार भी घर पे नहीं होता। कैसे खाना पीना हो रहा है? खाना पीना बहुत मुश्किल से हो रहा है, लॉकडाउन लग गया और भी मुश्किल बढ़ गया है। ये ठाकुरगंज ब्लॉक के मालिन गांव के ग्रामीण है जो सालों से राशन किरासन योजना से वंचित है। लॉकडाउन में गरीबों को फ्री अनाज मिला लेकिन ये लोग महरूम रहे। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को बहुत परेशानी है। राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, रोजगार भी घर पे नहीं होता। कैसे खाना पीना हो रहा है? खाना पीना बहुत मुश्किल से हो रहा है, लॉकडाउन लग गया और भी मुश्किल बढ़ गया है। तो फिर प्रशासन को आप लोग आके नहीं बताए कि भाई हम लोग का राशन कार्ड नहीं? प्रशासन से बता रहे हैं तो कोई भी ध्यान नहीं देता, इसलिए तो हम लोग 2017 में भी अप्लाई किया, अभी तक नहीं आया। इतना मुश्किल से चल रहा है हम लोग का परिवार तो सब बता नहीं, उतना नहीं पाएंगे। क्या क्या सीएम से क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? तो राशन कार्ड बनाने का ही मांग करते हैं, बस हम लोग का गरीबी उसमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। जैसे तैसे मुसीबत के दिन काटे, सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होने पर ये लोग किशनगंज जिला मुख्यालय आधम के हैं और एसडीओ से राशन कार्ड बनाने की जल्द गुजारिश की है। देखिए, हम लोग ठाकुरगंज प्रखंड के मालिन गांव पंचायत से आए हुए हैं। हम लोग राशन कार्ड के बिना बहुत परेशान हैं। हम लोग 2017 में जिस टाइम में सरकार द्वारा राशन कार्ड का आवेदन लिया जा रहा था, उस टाइम भी हम लोग राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए हुए थे, लेकिन 17 चला गया, 18 चला गया, 19 चला गया, 20 चला गया, लेकिन राशन कार्ड हम लोगों को प्राप्ति नहीं हुआ। जिस टाइम में कोरोना काल के समय में हमारा मुख्यमंत्री जी ये बोले थे कि हम 10 दिन के अंदर राशन कार्ड उपलब्ध करा देंगे, उस टाइम में हम लोग बहुत खुश हुए थे। गरीब आदमी थे हम लोग, मजदूर थे हम लोग, ये समझ रहे थे कि 10 दिन के अंदर हमारा राशन कार्ड बन जाएगा। हम लोग जीविका द्वारा भी हम उसको आवेदन कर डाल दिए थे, लेकिन उसमें भी हम लोगों को अब तक राशन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ। सरकारी भी कोई लाभ हम लोगों को अब तक प्राप्त नहीं हुआ। गौरतलब है कि मालिन गांव के दर्जनों ऐसे परिवार हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हैं। 3 साल पहले ब्लॉक में आवेदन किया गया था पर अब भी हाथ खाली हैं। थक हार कर अनुमंडल पहुंचे इन महिलाओं को एसडीएम ने न्याय का भरोसा दिया है। गौरतलब है कि कोरोना काल में जिले में 60,000 लोगों का राशन कार्ड बना पर ये लोग कैसे वंचित रह गए, इस मामले की पड़ताल जरूरी है। असहाय ग्रामीणों का दर्द आखिर कब सुना जाएगा? 17 से नहीं बना है क्या? देखिए, हम लोगों ने कोरोना काल में 65,000 राशन कार्ड इस जिला में बनाए हैं और इस पे कई स्तर पे लोकल लेवल पे सर्वे किया गया है। जीविका दीदी से भी सर्वे करके राशन कार्ड बना है और हम लोगों ने, अगर आपने हमारे संज्ञान में लाया है और ऐसे लोग अभी भी बचे हुए हैं जिनको आहर्ता रखते हैं, जिनको पक्का मकान नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उनको अवश्य ही जाँच करके आरटीपीएस से आवेदन करवा कर जाँच करके उनको राशन कार्ड निर्गत की कार्रवाई करेंगे।